हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल हाँ, हम अपने देश देश में पैदा हुए, देश में ही समाना चाहते हैं। मैं भले ही एक मुसलमान हूँ लेकिन मैं अपने देश की हाँ अपने देश जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्या लगता है कि क्या धमाल मचाने वाली है? फाड़ू फाड़ू। अच्छा, सबसे बेस्ट क्या लगता है आपको सन्नी बाजी का? ढाई किलो का। ढाई किलो का, वो जिस पे पड़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। क्या लगता है कि जैसे कंट्रोवर्सी चल रही थी कि नहीं चलेगी इसमें, आपने देखी है मूवी? नहीं अभी तक नहीं देखी। अच्छा, जिस तरह से फैन फॉलोइंग के लिए जा रहे हैं आप, सन्नी देओल के फैन है? बिल्कुल, क्यों नहीं। इसका कॉम्पिटिटर है कोई? लगता है कोई हीरो इनके सामने टिक पाएगा जैसे 22 साल बाद इतना तगड़े धमाल के साथ आ रहे हैं? बस हमने तो सनी देओल को देख के मूवी देखने का फैसला किया है, वरना तो हमारा कोई इरादा नहीं था मूवी देखने का। मैम, इससे पहले आपने सनी देओल की मूवी देखी है? बहुत सारी देखी। बहुत सारी देखी है। सबसे बेस्ट उनकी क्या चीज लगती है, क्या एक्टिंग में क्या लगता है? सभी कुछ अच्छा लगता है उसका एक्टिंग में। अच्छा, और क्या? ऐसा हीरो है जो कि एकदम कड़क हीरो है, इंडिया का नंबर वन नेचुरल हीरो है, नंबर वन हीरो है, नंबर वन हीरो। आपने नंबर वन की उपाधि दे दी है? नंबर वन ही है वो, अपने टाइम का नंबर वन रहा है और आज भी नंबर वन है। अच्छा, और हिसाब से लोगों की फैन फॉलोइंग चल रही है उस हिसाब से नंबर वन है। बस अब चल जाएगा पता, देखो बाकी तो लोग देख के आ रहे हैं मूवी, उसके हिसाब से। अच्छा, लोग भी बताएंगे जिन्होंने देखा कैसी है मूवी। अभी जैसे अक्षय कुमार है, सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों से कितना बेटर मानते हो? देखो अभी फिलहाल जो है ना, जो बीच में मूवी नहीं आ रही थी पाजी की, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो पहले मूवी आई थी एकदम धमाल फाड़ू मूवी थी, वो देखने लायक। हाँ, मूवी देखने लायक क्या, सब मूवी है उसकी सुपर डुपर हिट है। क्या लगता है कि जैसे गदर 2 जिस हिसाब से टॉप पे चल रही है, इस हिसाब से इनको घातक, जिद्दी ये भी लेके आनी चाहिए? देखो हाँ, लेके आनी चाहिए, लेके आनी। हाँ, क्योंकि घातक, जिद्दी, जीत ये मूवी जो है, सारी मूवी फाड़ू एकदम इंडियन। हाँ, ये सारी मूवी लेके आनी चाहिए। बिल्कुल, इनकी मूवी में डबल पार्ट, इनकी मूवीज में देशभक्ति की भावना होती है सर? बिल्कुल होती है। अच्छा, हाँ, अपने देश का जो है ना, देश के लिए सब कुछ चमकता है इसकी, उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है देशभक्ति की। बिल्कुल, नहीं अपने देश से मोहब्बत होनी चाहिए। देखो हमें इस चीज से कोई लेने देने नहीं है, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। मैं भले ही एक मुसलमान हूँ लेकिन मैं अपने देश की, देश के बारे, हाँ अपने देश के लिए जो है ना, सबसे पहला जो सोचा जाता है देश, भारत माता के बारे में, अपने देश के लिए। देखो हम यहाँ पे पैदा हुए, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल हाँ, हम अपने देश देश में पैदा हुए, देश में ही समाना चाहते हैं। और अच्छी सोच है सर आपकी। और जो कहा गया है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सही है, ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर जो एक मिसाल कायम करते हैं कि हाँ हमें जाति पाति धर्म से दूर हटके फिल्मों को देखना चाहिए, मनोरंजन को, एंटरटेनमेंट करना चाहिए, और जिस तरह से देशभक्ति की भावना है वो हमारे अंदर आनी चाहिए। टुडे न्यूज के साथ सोनवीर यादव।